हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर है। आप में से बहुत सारे प्रतिभागी जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 से संबंधित अपडेट का इंतजार कर रहे थे, साथियों उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी अपडेट और जानकारी मिल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और अपडेट। आप देख सकते हैं साथियों, राजस्थान पत्रिका की वेबसाइट है, ये देख पा रहे होंगे साथियों आप। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आम चुनाव के बाद होगा जारी, इस बार आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आम चुनाव के बाद होगा जारी, इस बार आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट। ले चलते हैं आपको साथियों सीधा नीचे, आप देख पा रहे हैं साथियों, ये 12 मार्च की न्यूज प्रकाशित हुई है और ये 2:46 पर शाम को प्रकाशित हुई थी, मतलब कि दोपहर में। तो साथियों, आपको ले चलते हैं सीधा न्यूज की ओर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 10,000 से बात कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में रिक्त पदों पर होने वाली, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं साथियों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में रिक्त पदों पर होने वाली 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण अब नई भर्तियां जारी नहीं हो सकेंगी। हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की गई थी। साल 2018 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या देखते हुए रिक्तियों में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा 11,000 के करीबन पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए विभाग ने रिक्तियों का विवरण जिलेवार मांगा है। जिलेवार रिक्तियां भरने के लिए पदों की संख्या तय की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2019 के लिए भर्ती की अधिसूचना लोकसभा चुनाव के बाद ही जारी की जाएगी। पुलिस विभाग की तरफ से भर्ती को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। नीचे चलते हैं साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019, राजस्थान पुलिस में साल 2018 में बड़ी संख्या में रिक्त हुए पदों को देखते हुए 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती जारी की जानी थी। देखा जाए, पूर्व मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने भी नई भर्ती जारी करने के किए जाने के बारे में बात कही थी। विधानसभा चुनाव और उसके बाद नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां आ गई हैं। लोकसभा चुनाव आचार संहिता में नई भर्तियां भी जारी नहीं हो सकती और नियुक्ति प्रक्रिया पर भी विराम लग जाता है। देखना यह होगा कि पिछली राज्य सरकार की तरह इस बार भी आयु सीमा में छूट मिल पाएगी या नहीं। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए 18 से 23 वर्ष के आयु तक के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होते हैं। विधानसभा चुनाव और राज्य में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती लंबे समय के अंतराल पर खुलने के कारण छूट दी गई थी। इस बार पुलिस विभाग और राज्य सरकार आयु सीमा में छूट के लिए शायद मंजूरी नहीं दें। अभ्यर्थियों, आप सभी को बताया जाता है यहाँ पर कि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। पिछली भर्ती में अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में चले गए थे। न्यायालय ने पुलिस विभाग और राजस्थान सरकार को आदेश जारी कर आयु सीमा में छूट की मतलब देने की यहाँ पर बात कही थी। तो साथियों, आप देख सकते हैं इस प्रकार एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आई है। जो भी प्रतिभागी यहाँ पर राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2019 के लगभग 11,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए साथियों ये 12 मार्च की लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अब यह भर्ती प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद में प्रारंभ होगी और यह भर्ती प्रक्रिया अब साथियों निश्चित तौर पर ही होगी, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया के संबंधित जो प्रारंभिक अपडेट थी वो मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। तो साथियों, भर्ती प्रक्रिया की प्रारंभिक स्थिति के लिए जो बड़ी सूचना थी, बहुत ही उसकी वैधानिकता की पुष्टि हो चुकी है और साथियों जल्दी लोकसभा चुनाव के आचार संहिता का प्रावधान जो कि समाप्त होने के पश्चात तुरंत प्रभाव से इस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और साथियों यही नहीं, आपको इस भर्ती प्रक्रिया के अलावा आपको यहाँ पर राजस्थान में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा का यहाँ पर नोटिफिकेशन भी लगभग 1,000 पदों पर देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप सभी
इस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी के लिए अभी से जुट जाएं, क्योंकि साथियों अभी आगामी 3-4 माह तक चूंकि आचार संहिता लगी हुई है तो इसमें भर्तियों के दोनों भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी नहीं होंगे। तो साथियों ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, जो भी प्रतिभागी यहाँ पर राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2019 में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं या अपना कैरियर चमकाना चाहते हैं, तो साथियों उनके लिए ये बहुत गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो इतनी बल्क में एक साथ लगभग 11,000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और 1,000 पदों पर एसआई भर्ती परीक्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों आप सभी को एग्जाम पैटर्न और जो कि पहले में पिछले 2018 की भर्ती परीक्षा में था वही यहाँ पर रहेगा, और यदि आपको यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता भी जोड़ी जाती है तो उसको आपको नई अपडेट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन साथियों चूंकि जो पुराना सिलेबस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अपनाया गया है आप उसकी तैयारी तो कम से कम अभी से आज से ही शुरू कर दें, जिससे कि आपको बाद में किसी भी प्रकार की इस ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े जो आपको आपके चयन होने की प्रोबेबिलिटी से दूर ले जाए और आपके चयन होने की प्रायिकता में कमी आए। तो साथियों आप आज से ही अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 के सिलेबस को डाउनलोड करके उसके अनुसार आप अपने तैयारी का जो नया प्रारूप है उसे बना लें और अपने चयन को आज ही सुनिश्चित करते हुए तैयारी प्रारंभ करें। तो साथियों धन्यवाद, एक नई अपडेट, आपको ये पसंद आई तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और इसी के पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। और साथियों सबसे पहले नई नई अपडेट आप तक हम पहुंचा सकें। तो धन्यवाद साथियों, और आपको हमारा ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। और साथियों यदि आपको इस भर्ती परीक्षा को लेकर या अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा को लेकर के कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपकी उस समस्या का समाधान कमेंट के माध्यम से ही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी यदि आपकी उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हम आपके लिए हो सके तो हर संभव प्रयास करते हुए वीडियो के माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, एक नई वीडियो, नई ऊर्जा और नई अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मित्रों। साथियों आपका ये छोटा सा प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा, हमारे मनोबल में आपका ये छोटा सा प्रयास हजारों गुना वृद्धि करेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।